गृह लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज उद्योग जगत से जुड़े लोगों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। मिश्रा ने कहा कि कोविड-19 के बाद उत्पन्न हालातों में अधिकतम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास जारी है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कहने पर उद्योगपतियों के साथ विमर्श किया। इस दौरान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उद्योगपतियों से उनकी समस्याएं जानी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का आग्रह किया। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के आह्वान पर उपस्थित सभी उद्योगपतियों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिए जाने पर सहमति दी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अधिकतम जरूरतमंदों को रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने को दृष्टिगत रखते हुए उद्योगपतियों से चर्चा की है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, इस पर सभी उद्योगपतियों ने सहमति देते हुए कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में अधिकतम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। उद्योगपतियों ने कहा कि रोजगार सृजन के नए कार्य भी प्रारंभ करेंगे ताकि और अधिक लोगों को कार्य मिल सके। बैठक में सुनील बंसल, राजीव अग्रवाल, मनोज मोदी, अमरजीत सिंह, NL गुर्जर, अनिरुद्ध चौहान, डॉक्टर राहुल खरे, BS यादव, डॉक्टर उमेश शारदा, सुरेंद्र मित्तल और प्रदीप मित्तल मौजूद रहे। इसके बाद मिश्रा ने GST काउंसिल की बैठक में भी भाग लिया। वित्त मंत्री जी के द्वारा GST की बैठक थी और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुझे अवगत किया था। मैंने सभी सम्मानित प्रतिष्ठित व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों से निवेदन किया था मुख्यमंत्री जी की ओर से, उनकी ओर से जो भी सुझाव हो तो इस बैठक में मैं केंद्र तक पहुंचा सकूं। बहुत सारगर्भित और उपयोगी बैठक रही है। समय समय पर हम बैठते रहेंगे और जो सुझाव आए हैं उन्हें मैं आज माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को दूंगा। हम जो कर सकते हैं हमने किया है और यही कारण है कि आज हमारी ग्रोथ रेट 69% पे आ गई है। 69% ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की हिंदुस्तान में सर्वाधिक ग्रोथ रेटों में गिनी जाती है। सर्वाधिक ठीक होने वाले पेशेंट हमारे हैं जो ठीक और स्वस्थ होके जा रहे हैं। डबलिंग में भी 31 दिन चल रहे हैं हम। इसलिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है और आम जनता से, इस पृथ्वी पर दो लोगों को ही जनार्दन कहा जाता है, एक तो जनता को जनार्दन कहा जाता है, एक परमात्मा को जनार्दन कहा जाता है। तो हमारा जनार्दन तो जनता जनार्दन है, उनसे प्रार्थना है कि कृपा करें, सावधानियां रखें, घबराएं नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।